सो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास पेज स्टोरीज। बाहरी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माल्टा वीज़ा का करंट सीन क्या चल रहा है फॉर ऑल कंसर्निंग कंट्रीज जिनके लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं। सो दोस्तों, आप बन रहे वीडियो में एंड तक, बिना किस टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो की। दोस्तों, आज की वीडियो में कोई भी नई ट्रैवल अपडेट नहीं है, ये सिर्फ एक कह लीजिए मेरी की स्टडी है, एक ऑब्जर्वेशन है, एक पैटर्न को रीड किया है मैंने और आपकी बहुत सारे चैलेंजेस को मिला के ये वीडियो मैंने बनाई है। ये वीडियो एक अपील होने वाली है हाई कमीशन को, माल्टा एम्बेसी को, कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर करें। क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस हो रहे हैं उनकी डिटेल में हम उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के लिए। इंडिया के अंदर दोस्तों जो VFS हैं वहाँ बांग्लादेशी और नेपाली भाई सब अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑफिशियल अपडेट आई थी। 30 मई 2022 को ये अपडेट आई कि बांग्लादेशी भाई अब अप्लाई नहीं कर सकते इंडिया के VFS में। उसके बाद बहुत सारे जो बांग्लादेशी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने लिखा कि सर ये कोई बैड न्यूज़ नहीं है, ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि इससे आने वाले टाइम में बांग्लादेश में VFS ओपन होने की संभावना है और हमारा काम जो है ढाका में ही हो जाएगा, हमें इंडिया नहीं आना पड़ेगा। मुझे ये कमेंट पढ़ के बहुत खुशी हुई, लेकिन दोस्तों मैंने उस वीडियो का टाइटल रखा था बैड न्यूज़, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग हैं। अब जो टाइम है ना कि इंडिया में सर्विसेज बंद हों और ढाका में चालू हो, उसके बीच में बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी होंगी इंडिया के अंदर हमारे बांग्लादेशी भाइयों की, उनके लिए मैंने ये लिखा था कि वो जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी कैंसिल हो गई हैं और ये एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ हमारे लिए आ सकती है, तो आप सतर्क रहिएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग नहीं आई, हम अभी तक वेट कर रहे हैं कि कब सर्विसेज जो है रिज्यूम होंगी। दोस्तों ये चैलेंज चल रहा है बांग्लादेशी भाइयों के लिए, एक अपील मैं उनके तरफ से हाई कमीशन अथॉरिटीज़ को करना चाहूँगा। मैं कोई एक कह लीजिए इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों की आवाज़ बन के ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं अपील करता हूँ हाई अथॉरिटीज़ से कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, ऑफिशियली एक अपडेट दें कि बांग्लादेशी भाइयों के लिए क्या नया जो है सीन यहाँ होने वाला है। सेकेंडली बात करते हैं इंडियंस के लिए। दोस्तों मैंने पिछली 2 से 3 वीडियो में आपको बताया हुआ कि इंडिया में जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो पहले से बेटर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों बैकलॉग बहुत सारा है। अभी एक लीक्ड इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि माल्टा जो है इंडिया के अंदर अपने जो VFS अपॉइंटमेंट्स हैं उनका तरीका चेंज कर रहा है। जो अपॉइंटमेंट है जिस तरीके से पहले बुक होती थी उसका पैटर्न पूरा चेंज होने वाला है, तो इसका भी एक ऑफिशियल अपडेट आएगा, इस पर हम पूरा वीडियो अच्छे से बनाएंगे। जब तक इन्फॉर्मेशन जो है ऑफिशियल नहीं आ जाती हम उस पर वीडियो नहीं बनाते, तो एक लीक था तो मैंने आपको वो बताया। लेकिन दोस्तों वीज़ा रेट इंडिया में जो है अभी सही चल रहा था, लेकिन दोस्तों अगर बात करें अदर कंट्रीज़ की तो हमें यहाँ चैलेंजेस फेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और जैसे हो सकता है कि अगर अपॉइंटमेंट का सिस्टम चेंज हो उससे हमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को और मिले। अब दोस्तों हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। दोस्तों जैसे ही बांग्लादेश के बारे में अपडेट आई उसके कुछ दिनों बाद सऊदी अरेबिया के VFS से अपडेट आती है कि वहाँ भी जो है वीज़ा सर्विसेज सस्पेंड हो गई टिल फर्दर नोटिस। दोस्तों इन दोनों कंट्रीज़ की वीज़ा सर्विसेज सस्पेंशन में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था, 15-20 दिन के अंदर ही उन लोगों ने ये कर दिया। दोस्तों यहाँ कोई रीज़न नहीं दिया जाता कि ऐसा क्यों किया जा रहा, लेकिन दोस्तों सिर्फ वीज़ा सर्विसेज सस्पेंड की जा रही हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया में बहुत कम लोगों ने हो सकता है अप्लाई किया हुआ हो, बहुत कम लोग वहाँ से हमें देखते हो, लेकिन दोस्तों ये पैटर्न मैं समझना चाह रहा हूँ कि माल्टा आखिर चाहता क्या है। बात करें UAE की तो सबसे बड़ा एक चैलेंज जो यहाँ बन के आया वो बन के आया था NOC, उसका कोई सॉल्यूशन तो हमें मिला ही नहीं कि NOC तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ये जो है सारे चैलेंजेस मिलके एक बहुत बड़ी पहेली सी बन गई है, कह लीजिए, या बहुत बड़ा एक हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज ये बन गया है। चाहे हम किसी कंट्री की बात करें, चाहे हम नेपाल की बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरेबिया, किसी की बात कर लें, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी बन के हमारे सामने यहाँ खड़ा हो गया है। मैं चैलेंजेस गिनाऊंगा तो वीडियो 15-20 मिनट की बन जाएगी ना। दोस्तों मेरा इस वीडियो में आपकी आवाज़ बन के ये अपील करना मेरा मकसद है हाई अथॉरिटीज़ से, हाई कम्युनिटीज़ से, जो ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन माल्टा के जो ऑफिशियल्स हैं अगर कोई वहाँ पे इंडियन है तो उन तक पहुँचा सके कि हम जो है यहाँ बहुत परेशान हो चुके हैं और हमें कोई ऑफिशियल अपडेट अभी आगे से देखने को यहाँ नहीं मिल रहा। मेन मेरा कंसर्न था UAE वालों के लिए और बांग्लादेशी भाइयों के लिए कि आपके लिए भी कोई भी अपडेट नहीं है और सस्पेंशन की बात तो खैर 1 महीने पुरानी अब हो चुकी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो, हमें कोई अपडेट देखने को मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
हो सकता है ये वीडियो अथॉरिटीज़ तक पहुँचे और हमें कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ देखने को मिले। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको आपको मिलते रहेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।